सब्सक्राइब कीजिए बीटेक चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप पा सकें लेटेस्ट टेक वीडियोस सबसे पहले। हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर। मैं हूं बी और आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर आप कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि कौन सा फोन लेना चाहिए आपके बजट के अकॉर्डिंग, तो आज इस वीडियो में मैं उसी बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बताऊंगा 5000 से 20,000 रुपीज तक के फोन और इस रेंज के अंदर कौन कौन से फोन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। पर एक बात का ध्यान रहे कि ये फोन जो है मेरी रिकमेंडेशन है, मेरे ओपिनियन से जो अच्छा रहेगा। मैं अपने ओपिनियंस पे बता देता हूँ, पहली बात मैं सिर्फ वही कंपनीज रिकमेंड कर रहा हूँ जो ठीक ठाक इंडिया में स्टेबलाइज्ड है, मींस जिनकी थोड़ी बहुत सर्विस अवेलेबल है। पर मैं जानता हूँ कई जगह पर, जैसे MI हो गया, MI की भी कई जगह पर सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सिर्फ सैमसंग के अच्छे अच्छे मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। वो वीडियो आपको एक दो दिन में मिल जाएगी। पर आज की वीडियो में मैं सिर्फ वही कंपनीज के फोन्स रिकमेंड करूंगा जिनकी ठीक ठाक, अगर आप किसी सिटी में जाते हो वहां पर आपको सर्विस मिल जाएगी, ना कि कोई नई कंपनी आ रही है। जैसे एली कंपनी आई थी, वो आई और इंडिया को छोड़कर चली गई, और एक दो नई कंपनीज आ रही है, तो मैं कूलपैड वगैरह, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा इस वीडियो में। मैं सिर्फ मेन कंपनीज की बात करूंगा और अपने रिकमेंडेशन दूंगा स्मार्टफोन के बारे में। सो लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5000 से 10,000 रुपीज के फोन जो कि अल्ट्रा बजट सेगमेंट में आते हैं, और इस बजट के अंदर जैसे कि आप जानते हैं ये काफी टाइट बजट है, और 5000 से नीचे के फोन तो कोई खास अच्छे स्मार्टफोन नहीं होते। मैं रिकमेंड करूंगा 5000 से अगर नीचे आप कोई फोन लेने की सोच रहे हो तो आप एक फीचर फोन ही ले लो, 5000 से नीचे का कोई स्मार्टफोन अच्छा नहीं है जो आपको अच्छी लाइफ देते। तो 5000 से 10,000 में अगर हम बात करें तो सबसे पहला फोन जिसका नाम आता है इसमें वो है Redmi 4A। Redmi 4A दो वेरियंट्स में आता है, 6000 वाला और 7000 वाला, और इनके अंदर 2GB रैम, 16GB स्टोरेज और 3GB रैम और 32GB स्टोरेज मिलती है। पर इसमें एक बात खास ध्यान रखने वाली है, इसमें हमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। और अल्ट्रा बजट सेगमेंट में अगर आपको 4A मिल रहा है तो 4A काफ़ी अच्छा डिवाइस है। इसका बैक पैनल खैर प्लास्टिक में है पर फोन काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है और आगे से भी कर दी गई है, 2.5D कर्व ग्लास है, और फोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल हर चीज काफी अच्छी है, और मेनली बैटरी बैकअप इसका अमेजिंग है, मीन्स दो दिन तो आपकी बैटरी इस फोन से चलने ही वाली है। अगले फोन को रिकमेंड करूंगा मैं, वो है Xiaomi का ही है, वो Redmi 4। Redmi 4 तीन वेरियंट्स में आता है, 7, 9 और 11। 7000 में 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, 9000 में 3GB रैम और 32GB स्टोरेज, और 11000 में हमें मिलती है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज। इसमें हमें 4A से ये एडवांटेज मिलती है कि हमें मेटल बैक मिल जाती है और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। प्रोसेसर वगैरह सेम है 4A से और बाकी सब चीज़ें सेम है, ये थोड़े बहुत चेंजेस थे जो मैंने आपको बता दिए। और Redmi 4 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है इस बजट के अंदर। तो अगर आपके पास कोई प्राइमरी फोन है जो आप मेनली यूज़ करते हो, जो कि 20,000 से मीन्स फर्स्ट टायर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स का कोई फोन है, और आप कोई सेकेंडरी फोन लेने की सोच रहे हो कि जो थोड़ा बहुत कॉलिंग वगैरह के लिए और छोटे मोटे बेसिक वर्क कर दे, तो आपके लिए Redmi 4A या Redmi 4 अच्छा रहेगा, और वैसे जो अल्ट्रा बजट सेगमेंट में है उनके लिए भी ये फोन काफी अच्छा रहेगा। अगले फोन की बात करें तो अगला है Lenovo K6 Power। ये भी काफी अच्छा फोन है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको थोड़ा बहुत MI से ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, क्योंकि कई बार होता है हम कंपनी का स्मार्टफोन यूज कर लेते हैं और उसका स्मार्टफोन हम और यूज नहीं करना चाहते, या फिर उस ब्रांड से कोई चीज ना पसंद होती है, तो इसलिए मैंने Lenovo K6 Power की रिकमेंडेशन इसमें डाल दी है। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो इस बजट सेगमेंट में, तो Redmi 4A और Redmi 4 दोनों ही काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो अब बात करते हैं 10,000 से 20,000 रुपीज के फोन की। इस बजट सेगमेंट में आजकल बहुत लड़ाई हो रही है और उसके अंदर बहुत सारे फोन अवेलेबल है। इसकी लिस्ट सबसे लंबी है, इसकी लिस्ट उनसे भी लंबी है जो 20,000 से ऊपर के फोन आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फोन जो आता है वो MI का ही आता है, Redmi Note 4। ये फोन जो है तीन वेरिएंट्स में अवेलेबल है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं ये काफी ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है इंडिया का। तो हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा इसमें, और ये फोन काफी अच्छा है ओवरऑल। बस इसका जो एक वीक पॉइंट है वो है कैमरा। अगर आपको कैमरा चाहिए तो आप सीधा जा सकते हैं MI A1 की तरफ। MI A1 में हमें Note 4 से बैटरी हल्की सी कम मिलती है, जो कि 4000 की जगह 3000 के आसपास की बैटरी मिलती है। पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसके अंदर पीछे की तरफ डुअल कैमरा है, और डुअल कैमरा की इस बजट सेगमेंट में सबसे अच्छी इंप्लीमेंटेशन A1 की है। A1 का डुअल कैमरा काफी अच्छे अच्छे फ्लैगशिप को टक्कर देता है, मैं ये नहीं कह रहा उनको पीछे छोड़ देता है,
पर इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि इसका पोर्ट्रेट मोड काफी नेचुरल और आंखों को काफी अच्छा लगता है। इसकी फोटोज, इसका जो कैमरा है, मेरे अकॉर्डिंग, दूसरे रिव्यूज का मुझे पता नहीं, पर मेरे अकॉर्डिंग इसका पोर्ट्रेट मोड G5S प्लस से काफी अच्छा परफॉर्म करता है और इस बजट में तो बेस्ट इसी को मैं कहूंगा पोर्ट्रेट मोड के अंदर। अगर आप कोई स्मार्टफोन ले रहे हो कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन तो MI A1 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर हम और ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास आता है Lenovo P2। Lenovo P2 हमारा सेम Redmi Note 4 है विद AMOLED डिस्प्ले और साथ ही साथ 5100 mAh बैटरी, मींस इतनी बड़ी बैटरी के साथ ये एक्चुअली बैटरी सेंट्रिक स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको काफी अच्छी बैटरी मिलेगी, मतलब इसके अंदर AMOLED डिस्प्ले है और साथ ही साथ इतनी बड़ी बैटरी है तो काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिलने वाला है आपको। Redmi Note 4 में चार्जिंग में अगर ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि आप काफी MI यूजर्स की कंप्लेंट रहती है Redmi Note 4 को चार्ज करने में काफी टाइम लगता है, तो Lenovo P2 आपकी ये प्रॉब्लम भी बहुत इजीली सॉल्व कर देगा क्योंकि इसके अंदर फास्ट चार्ज है जो कि OnePlus के डैश चार्ज जितना फास्ट है। तो आपका ये फोन 1.5 से 2 घंटे में पूरा चार्ज कर देगा और 1.5 से 2 घंटे में 5000 mAh की बैटरी चार्ज करना बहुत फास्ट है। और अगर आप कोई कॉम्पैक्ट फोन ढूंढ रहे हो जो कि कैमरा सेंट्रिक ना हो पर परफॉर्मेंस से फुल ऑन हो तो आपके लिए है Lenovo Z2 Plus। जो मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी स्मार्टफोन अकॉर्डिंग टू बजट फॉर यू, उसके अंदर भी Lenovo Z2 Plus का नाम था और ये इसी प्राइस सेगमेंट में आता है और Snapdragon 820 है तो इसकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। और जैसे कि मैंने अभी Moto G5S Plus का नाम लिया था, वो भी इस बजट सेगमेंट के अंदर आता है और काफी अच्छा फोन है। पीछे की तरफ हमें डुअल कैमराज मिलते हैं, आगे की तरफ सिंगल कैमरा मिलता है और दोनों ही कैमराज अच्छे हैं। पर पोर्ट्रेट मोड के लिए अगर आपको बेसिकली फोन चाहिए तो A1 ले, ओवरऑल फोन चाहिए तो Moto G5S Plus अच्छा है। और Moto G5S Plus के अंदर हमें स्टॉक एंड्रॉइड भी मिलता है जो कि Redmi Note 4 और Lenovo P2 से एडवांटेज है। A1 में भी हमें स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। तो ये सारी चीजें थी G5S Plus। एक्चुअली इसमें थोड़ा वीक सा पॉइंट नजर आता है कि इसको लेने का कोई USP नहीं है, बाकी फोन का USP हमें नजर आता है। पर G5 Plus अच्छा है अगर आपके शहर में, आपके गाँव में अगर आपको Motorola की सर्विस अच्छी मिलती है MI से ज्यादा, तो Moto G5S Plus काफी अच्छी रिकमेंडेशन रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आप मल्टीमीडिया के बहुत बड़े दीवाने हो, आपको YouTube वीडियोस, आपको मूवीज अपने स्मार्टफोन में देखना बहुत पसंद है, तो आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए, उसके लिए हमारे पास आता है Mi Max 2। Mi Max 2 काफी अच्छा फोन है पर ये बड़ी स्क्रीन है जिसकी वजह से इससे कॉलिंग नहीं हो पाती। कॉलिंग में अगर आप ज्यादातर कॉलिंग करते हो तो आपको हैंड्स वगैरह दर्द करेंगे और इस फोन को हैंडलिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। पर अगर आपको ये दोनों दिक्कत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉल्स कर सकते हो आराम से बड़े फोन से और आपको हैंडलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसकी 6.4 या 6.2 इंच की स्क्रीन है, तो आपको MI Max 2 लेना चाहिए। ये यूट्यूब वीडियोस काफ़ी अच्छी, मीन्स यूट्यूब पे इससे कंटेंट देखो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और साथ ही साथ जो हम गेम्स वगैरह प्ले करते हैं उससे भी MI Max 2 से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और इसके अंदर बड़ा फोन है, साथ ही साथ बहुत बड़ी बैटरी भी है, तो बैटरी बैकअप की भी आपको इस फोन से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अब बात करते हैं दो और फोन की जो कि ओनर की तरफ से हैं, ओनर का 6X और ओनर 9i। अगर आपको बजट में चाहिए बिल्कुल 15,000 से अंडर में, तो ओनर 6X काफी अच्छा स्मार्टफोन है, Redmi Note 4 की टक्कर का है। अगर डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, सॉफ्टवेयर अगर आपको MI का पसंद है तो Redmi Note 4 ले, अगर आपको Lenovo का पसंद आ जाता है तो Lenovo P2 ले, और अगर आपको ओनर का सॉफ्टवेयर पसंद आ जाता है तो ओनर 6X ले। और अगर आपको पोर्ट्रेट मोड चाहिए फ्रंट में भी तो हमारे पास है ओनर 9i जिसका प्राइस 18,000 rupees है और ये फोन काफी अच्छा है। ओनर 9i के अंदर 4 कैमराज हैं, मतलब पीछे की तरफ 2 कैमराज और आगे की तरफ 2 कैमराज, और दोनों ही पोर्ट्रेट मोड करते हैं, मीन्स आपको वही बैकग्राउंड में ब्लर मिलेगा काफी अच्छा फ्रंट कैमरा में भी, और साथ ही साथ हमें फुल विजन डिस्प्ले मिलती है इसके अंदर, मीन्स 18:9 की एक्सपेक्ट रेशियो मिलती है और जो कि छोटे फोन के अंदर बड़ी स्क्रीन फिट करने वाली बात हो जाती है। तो अगर आपको लेटेस्ट 2017 का हाईटेक जो फुल विजन आजकल ट्रेंड है उसमें रहना है तो आप ओनर 9i को एक बार देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी प्रीमियम है। तो ये सब फोन्स थे 5000 से 20,000 के बीच में जो मेरी रिकमेंडेशन है, तो मैंने आपको ये बता दिए। अब बात आती है कि जहाँ पर इन फोन्स की सर्विस अवेलेबल नहीं है, एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने एक को फ़ोन रिकमेंड करा था MI का और जब उसने फ़ोन यूज़ करा और कोई MI के फ़ोन में प्रॉब्लम आई, पर उसकी जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर जो है MI की सर्विस अवेलेबल नहीं थी, तो उसे उस फ़ोन से काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। हालांकि MI की जहाँ पे अच्छी अच्छी सिटीज़ है वहाँ पर सर्विस अच्छी है, पर कई जगह पर MI की सर्विस नहीं है क्योंकि MI नई कंपनी है और सैमसंग काफ़ी टाइम से इंडिया में अवेलेबल है और सैमसंग की सर्विसेज काफ़ी जगह, मीन्स ऑल ओवर इंडिया बहुत जगह है सैमसंग की सर्विस। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि कई लोग MI के फ़ोन को इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि सर्विस अच्छी नहीं है, तो उनके लिए मैं सिर्फ सैमसंग के फोन की एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा 5000 से 20,000 के बीच के फोन
सिर्फ सैमसंग के, जो कि अच्छे हैं, क्योंकि सैमसंग के काफी बेकार मॉडल्स भी अवेलेबल है जो मैं कहूंगा आपको अवॉइड करने को, तो वो वीडियो भी आपको 2 दिन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी स्मार्टफोन रिकमेंडेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई लगता है कि मैंने फोन कोई मिस कर दिया या आपके अकॉर्डिंग कोई फोन इस लिस्ट में होना चाहिए था तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर नहीं आई तो डिसलाइक करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहे और देखते रहिए बीटेक। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।